इसके बाद अब भारत में भी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का मॉडल तैयार किया गया है। ये मॉडल इंदौर के प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र में तैयार किया गया है। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर जहां मोदी सरकार जापान और चाइना से बुलेट ट्रेन खरीदने जा रही है, वहीं देश के वैज्ञानिकों ने ही भारत में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन की कार्यप्रणाली विकसित कर ली है। यही नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी से चलने वाली देश की ये पहली ट्रेन इंदौर के प्रगत परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र में तैयार कर प्रायोगिक तौर पर चलाई भी जा रही है, जो भविष्य में जमीन की सतह से ऊपर चलने वाली दुनिया की पहली प्रदूषण और ध्वनि रहित सबसे सुरक्षित ट्रेन साबित होगी। इंदौर के राधा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र में मैग्नेटिक पटरी पर चलती ये छोटी सी बोगी भविष्य के सबसे आधुनिक और तेज रेल यातायात की कार्यप्रणाली का आगाज है। दरअसल दुनिया भर में सबसे तेज और सुरक्षित तरीके से आधा खर्च में चलाई जाने वाली ट्रेन की इस कल्पना को इंदौर के प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के वैज्ञानिक आरएस सिंधे ने कठोर परिश्रम और सूझबूझ से साकार कर दिया है। हिंदुस्तान में पहली बार मैग्लेव ट्रेन तैयार की गई है, जो इंदौर के आरआर गेट में तैयार की गई है। उन्होंने इस मैग्लेव ट्रेन को आविष्कार किया है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन यदि मूर्त रूप लेती है तो हिंदुस्तान में चल सकती है। किस तरह का आविष्कार है ये आविष्कार? मैग्नेट लेविटेड ट्रेन का है और ये मैग्नेट लेविटेड ट्रेन बिल्कुल हवा में चलती है और उसको एयर और इंजन के बीच में, जो ट्रैक और इंजन के बीच में सिर्फ हवा होती है, और जो ट्रैक में मैग्नेट लगते हैं और इंजन के जो सुपर कंडक्टर है दोनों के बीच में लेविटेशन फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, उसके कारण आपको लिफ्ट मिलती है और उसके ऊपर जो कॉइल लगती है कॉइल से उसको मोशन मिलता है और ये कम्प्लीटली लेविटेड है। उसको कोई उसको कॉन्टैक्ट नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, उसके कारण उसको आप हाई स्पीड में जा सकते हैं। काफ़ी स्मूथ है क्या? कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है? ये एक्चुअली 600 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चल सकती है और उसको आप बिल्कुल उसको वैक्यूम तैयार करेंगे आउटसाइड, उसके बीच में आप वैक्यूम दौड़ोगे, ये तो 1200 किलोमीटर पर आवर से चल सकती है क्योंकि इसको एयर रेजिस्टेंस आता है। एयर रेजिस्टेंस के कारण उसको स्पीड को लिमिट कर सकते हैं। आप एयर रेजिस्टेंस निकालने के लिए नया ट्रेन का जो आविष्कार हुआ हाइपरलूप, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइपरलूप, उसका भी हम लोगों ने एक मॉडल बनाया। वो हाइपरलूप का अभी वर्ल्ड में कहीं नहीं चल रहा है, ओनली लेबोरेटरी स्केल में उसका आविष्कार हो रहा है। हाइपरलूप सक्सेस हो जाता है तो ये जो ट्रेन है 1200 किलोमीटर पर आवर में जाएगी, दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन हम लोग बना सकते हैं क्योंकि हाइपरलूप में खासियत ऐसी, आप एरोप्लेन का स्पीड आप ग्राउंड में ला सकते हैं। मीन्स एरोप्लेन नॉर्मली 1200 किलोमीटर पर आवर में चलता है, वो स्पीड हम ग्राउंड में चल सकते हैं। यहाँ श्री शिंदे ने अपनी 50 वैज्ञानिकों की टीम के साथ दिन रात मेहनत कर ऐसी रेल का मॉडल तैयार कर लिया है। मैग्नेट फील्ड पर उसकी सतह के ऊपर यानी हवा में चलती नजर आ रही ये ट्रेन की खासियत ये है कि जापान की बुलेट ट्रेन की तुलना में ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक ट्रेन 50% सस्ती है। इसके अलावा मैग्नेट भारत में बड़ी संख्या में तैयार हो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो इसमें मजबूत मैग्नेटिक क्षेत्र जमीन के तल से जुड़े होने के कारण दुर्घटना की कोई गुंजाइश भी है। मैग्नेटिक ट्रेन को जल्दी कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्या लगता है हिंदुस्तान की धरती पर यह किस तरह से मूर्त रूप ले सकती है, कितना समय लग सकता है? या हिंदुस्तान में हमारे इंडस्ट्री साइंटिस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सबके बहुत एक्सपर्टाइज है और यूथ जो यंग जनरेशन है बीई बीटेक आईआईटीएन सबके पास एक्सपर्टाइज है। एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता मिलेगा तो हम लोग के बड़ा लेवल पे हम ट्रेन बना सकते हैं। अभी तक इस तरह की ट्रेन किन किन देशों में चल रही है? इस टाइप की ट्रेन अभी जापान और चाइना में सिर्फ चलती मैग्नेट लेविटेड ट्रेन। हमने जो ट्रेन दिखाया आप लोगों को दिखाया ये जो लेविटेड ट्रेन सिर्फ जापान एंड चाइना में चलती, पर उसका बहुत सारे कोरिया स्विट्जरलैंड वो देश भी ये डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अपने भारत की बात की जाए तो अभी सबसे स्पीड से चलने वाली ट्रेन शताब्दी कही जाती है, क्या उससे कितना गुना ज़्यादा स्पीड है? शताब्दी से हमें 3 times से उसका स्पीड बढ़ सकता है। शताब्दी का आपका देखिए मालूम 120-150 के स्पीड में, तो ये जो ट्रेन चलेगी तो 4 times से हम उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। मध्य प्रदेश की या भारत देश की सरकारों को किस तरह से इसका इनोवेशन को लाना चाहिए मूर्त रूप में? जो नेशनल लेवल पे कोई टास्क फोर्स बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें लाइक रेलवे यूनिवर्सिटी और कोई सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन जैसे जापान में होता है,
मैगलेव का सेंटर होता है, इस टाइप का सेंटर इंडिया में खोला, फंडिंग दे जाए तो इंडिया में बहुत सारा उसका ट्रांसपोर्ट का रिसर्च होके पर्यावरण के लिए कितने बेहतर कही जा सकते हैं। 100% कोई पर्यावरण का धोखा नहीं उसमें, कम्प्लीटली फ्री ग्रीन उसमें, क्योंकि इसमें कोई गैसेस यूज नहीं होता, कोई पेट्रोल कोल कुछ नहीं लगता, लिक्विड नाइट्रोजन होता है। और लिक्विड नाइट्रोजन तो हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको लिक्विड में लाता है और वही यूज़ हम सुपर कंडक्टर को कूल करने में लाता है। ये कम्प्लीटली 100% इको फ्रेंडली। आपकी कितने लोगों की टीम की मेहनत और कितने समय की मेहनत? हमारे कम से 15-20 साइंटिस्ट टेक्नीशियन इंजीनियर सब बड़ा, हमारा 15-20 लोगों का थापा है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स है, और सबके मेहनत से हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है, इसमें हमें 3 साल के अंदर बनाए। आज प्रगत औद्योगिक केंद्र में जारी विज्ञान प्रदर्शनी के अवसर पर मैग्लेव ट्रेन इसलिए भी सार्वजनिक की गई कि दुनिया भर में लोग इसे जानें और वैज्ञानिक भविष्य में इसे आम लोगों को परिवहन के लिहाज से उपलब्ध करा सके। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि इसमें पेट्रोल डीजल फ्यूल कुछ नहीं लगता, बल्कि इसकी कार्य प्रणाली लिक्विड नाइट्रोजन गैस पर आधारित है, जिसमें -166 डिग्री पर खास तरह का चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है जिसे गति में तब्दील कर दिया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल जापान और चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और तो और अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर है, लेकिन इस मॉडल की सफलता के बाद भारत इस रेल को विकसित करने में काफ़ी करीब है। यही वजह है कि इस प्रणाली को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को अब जापान सहित अन्य देशों में इसी काम के लिए बुलाया जा रहा है। इस सिद्धांत पर करती है ये काम, सुपर कंडक्टर को लिक्विड नाइट्रोजन -166 पर ठंडा करने पर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर होता है उसके प्रतिरोधन का उपयोग करते हुए यूनिट को मूवमेंट दिया जाता है। इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र तैयार होने से ट्रेन की यूनिट जमीन से करीब 2 सेंटीमीटर ऊपर उठकर चलती है। 3 साल की अथक मेहनत और 50 से अधिक साइंटिस्ट की यह मेहनत यहाँ पर मूर्त रूप ले सकती है। यदि हिंदुस्तान में इस तरह की ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाती है तो लोगों के समय की बचत भी होगी, साथ ही पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित होगी। इंदौर से हेमंत शर्मा, ग्राउंड जीरो न्यूज़, स्पेशल रिपोर्ट इंदौर।